नमस्कार। सो बहुत दिनों बाद फाइनली नीट की न्यूज़ आ गई और मैं कह ही रहा था बच्चों को जो भी हम उससे संपर्क करते थे कि 1 अगस्त को होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम 10 जुलाई पे आ गए थे तो देखिए गवर्नमेंट सिस्टम को भी ना टाइम चाहिए होता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बच्चों को समय देना होता है फॉर्म भरने के लिए। अगर 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरना है और एक ही सर्वर है तो आप मान के चलिए कि कुछ तो समय चाहिए सिर्फ फॉर्म ही भरने के लिए, और इसीलिए ये पोस्टपोन होना ही था। और पोस्टपोन होकर वही अगर आज हम 12 जुलाई पे बैठे हुए थे जब भी नोटिफिकेशन आई थी तो ठीक 2 महीने बाद का समय लिया। फिर गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है कि किसी और एग्ज़ाम के साथ क्लैश ना हो रहा हो, मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि चलो अगले संडे मुहूर्त अच्छा लग रहा है तो पेपर कर लेते हैं। तो वंस आपके आपको 1-1.5 महीने का गैप चाहिए, फिर ये देखना है कि संडे को होना चाहिए, उस संडे में वो संडे फ्री होना चाहिए, कोई ऑलरेडी कोई नेशनल एग्ज़ाम कोई बड़ा इवेंट नहीं होना चाहिए। तो सबके मद्देनज़र फाइनली जैसा हम सभी जानते हैं कि हमको 12 सितंबर की डेट मिल गई है नीट के लिए, और जिसका फर्स्ट स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुकी है। NTA.NIC.in पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो मुझे बताने की ज़रूरत है। वेरी फ्रेंकली कई लोगों ने वीडियो बनाया है कि हाउ टू फिल द फॉर्म। मेरे हिसाब से फॉर्म भरना बहुत आसान है, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे फॉर्म भरता जाएगा। फॉर्म भरते समय जो 5-6 चीज़ें चाहिए होती हैं कि एक वर्किंग ईमेल आईडी हो, एक वर्किंग मोबाइल नंबर हो जो सबके पास होता ही है, आपके पास एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो जिससे आप पे कर सकें ऑनलाइन फीस, जो कि हम सभी जानते हैं कि 1500 रुपीज़ होती है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो वो जो फी पे आपको उसी समय करनी होगी वो आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए। और उसके अलावा जनरल कैटेगरी के लिए जैसा हम सभी जानते हैं कि SC ST के लिए फीस 800 रुपये हो जाती है। पेमेंट के अलावा और क्या क्या आपको चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक और आती है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस समय आपके पास रेडी हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप 5 डॉक्यूमेंट हैं जो कि हमें अपलोड करने होते हैं, और आप 5ों की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होती है जिसका 10 KB से 200 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए। सो आप ध्यान रखिएगा कि साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच में हो। अपने फ़ोटोग्राफर से कह दीजिएगा कि वो साइज़ को एडजस्ट कर देगा, और JPG फॉर्मेट में चल जाती है। एक पोस्ट कार्ड साइज़ भी चाहिए जो 4 इंच बाई 6 इंच, 4 इंच ऐसे और 6 इंच ऐसे होगी, 4 इंच बाई 6 इंच, और उसका साइज़ जो है वो 50 KB से 300 KB तक अलाउड है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी सब लिख दूंगा। सिग्नेचर आपको पता ही होता है, फिर हम उसको स्कैन करते हैं। छोटी सी फाइल होनी चाहिए 4 KB से 30 KB के बीच में, डिमेंशन इन्होंने क्लैरिफाई नहीं करी है। फिर लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, आप इम्प्रेशन लेते हैं उसको स्कैन करते हैं, और 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में, 10 KB से 50 KB। तो ये 4 फाइलें और JPG में होनी चाहिए। और बाई चांस किसी का लेफ्ट हैंड नहीं है तो वो राइट हैंड कर सकता है। और 5वां जो कंपलसरी है, आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट जिसकी फाइल साइज 100 KB से 400 KB तक अलाउड है। और आपको ध्यान रखना है जो फोटोग्राफ्स है ना वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 80% फेस होना चाहिए, वरना फोटोज रिजेक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके डेस्कटॉप पे पड़े होने चाहिए। आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे और आपके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो। बीच में जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, वो आपको लास्ट में काम आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जहाँ हमें बहुत फ़ोन आ रहे हैं कल से, कि जो सिलेबस में या पैटर्न में थोड़ा चेंज किया है। देखिए वैसे तो आपको वही 180 क्वेश्चन करने हैं, वही आपको 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में और 90 बायोलॉजी में करने हैं। बायोलॉजी में वही आपको 45 बॉटनी में और 45 जूलॉजी में करने हैं, टोटल 180। वही 720 नंबर, वही +4 right -1 wrong, वही 3 घंटे का पेपर 2 से 5। कन्फ्यूजन शुड आई से पहली बार हो गई है कि हर सेक्शन को फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी 2 भागों में बांटा गया है। वही जो 45 क्वेश्चन होते थे उनको 35 क्वेश्चन को दे दिए सेक्शन ए और 10 क्वेश्चन को दे दिए सेक्शन बी, बट वो क्वेश्चन 10 नहीं, उन्हें कर दिए 15। दैट मीन्स हर सेक्शन में, हर टॉपिक में, फिजिक्स को अगर मैं एक टॉपिक माने, केमिस्ट्री को एक माने, बॉटनी को एक, जूलॉजी को एक, तो 45 के बदले 50 क्वेश्चन की ऑप्शन दी गई है। 50 में से पहले 35 जो सेक्शन ए में होंगे वो सारी कंपलसरी होंगे, सेक्शन बी में आपको 15 में से 10 करने होंगे।
तो आपके पास पहली बार ऑप्शन है कि आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आते। देखिए सरकार का कहना यही होगा कि देखिए कोविड चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा, तो हमने बच्चों को ऑप्शन दे दी कि बेसिकली आपके पास उन 15 क्वेश्चन में ऑप्शन है। तो नोट ये कीजिए, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के 50 में से आप कोई भी 45 कर ले, या सेक्शन 2 के आपको 15 के 15 क्वेश्चन आते हैं वो कर ले, और सेक्शन 1 के 30 कर ले। सेक्शन 1 के तो पूरे 35 के 35 करने होंगे, और सेक्शन बी में यू कैन हैव अ चॉइस कि आप सिर्फ 15 में से 10 करेंगे। अब वैसे पॉजिटिव है, मैं बताना चाहता हूँ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि खासकर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं 2 साल से 3 साल से ड्रॉपर भी होते हैं, और जितने भी आप सैंपल पेपर आज तक लिए होंगे आपने, उसमें हमेशा ना 180 क्वेश्चन थे। तो आपको आदत नहीं है क्वेश्चन में चॉइस करने की, या तो आप करते थे या छोड़ देते थे। इस बार पहली बार ना आपको चॉइस है कि 15 में से 10 ही करने हैं। तो ये जो एक आर्ट होती है, कभी कभार आपको शायद 15 के 15 आते होंगे और आपको लगेगा कि हाई मैं सारे कर देता और दूसरे में से मैं आपको छोड़ देता, पर वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। सिमिलरली जहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है, हम 15 के 15 रीड करने की कोशिश ज़रूर करें। बिकॉज समटाइम ये हो सकता है कि आपने खाली पहले 10 पढ़े जिसमें आप तुक्का लगा रहे हो, और बाकी 5 में से 2 आपको अच्छे तरीके से आते हैं। सो 15 के 15 पढ़िएगा ज़रूर, और फिर जो आपको 4-5 लगे जो बिल्कुल भी नहीं आते, उनको पहले उसमें कह दो छोड़ दीजिए, और फिर दोबारा अपने जजमेंट कीजिए कौन से अटैम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। सो पहली बार नीट के बच्चों को ना ये फेस करना पड़ेगा कि वेयर यू विल बी पिकिंग द क्वेश्चन टू बी आंसर, राइट। 15 में से 10 ही करने हैं ना 4 बार, और ये चीज़ 4 बार करनी है, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, बॉटनी में अलग, जूलॉजी में अलग। तो बस यही चेंज है अगर हम पूरे उसकी बात करें, बाकी सब कुछ लास्ट ईयर की तरह चल रहा है। वही 13 लैंग्वेज में पेपर होगा जो आप सभी को पता होगा, सेंटर्स खूब सारे बढ़ा दिए गए हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सके, ऑफलाइन ही पेपर होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा जैसा कई सालों से होता आ रहा है, पेन एंड पेपर ही पेपर होगा, और लैंग्वेजेस वगैरह सेंटर्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। एज अ सेट फॉर्म भरना बहुत आसान है, भरिए, बेस्ट ऑफ लक। जैसा कि हम जानते ही हैं कि BDS के लिए, MBBS के लिए तो है ही कंपलसरी नीट, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन वाले स्पेशलाइजेशन के लिए भी नीट चाहिए, और अब कहीं कहीं जगहों पे नर्सिंग के लिए भी नीट आ गया है। तो एटलीस्ट आई नो वन प्लेस की इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, उसके अंदर 6 कॉलेज हैं बहुत ही शानदार नर्सिंग के लिए, 250 सीट्स हैं, उसके एडमिशन में नीट से होगा। सो नीट जरूर भरिएगा, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहें। धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर, बाय बाय।